सारा प्रणाम, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। कांग्रेस ने आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में बड़ा प्रदर्शन किया। देश भर में कांग्रेस नेता आज काले कपड़ों में सड़कों पर उतरे। दिल्ली में सोनिया गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक कर सभी को हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद सभी कांग्रेसी नेताओं को किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में रखा गया। चर्चा आज इस मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे। अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जब परिवार पर आंच आती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर जाती है और नाम दिया जाता है महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च का। बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि नहीं, महंगाई है सभी जान रहे हैं, सभी मान रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी है, GST है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस अपने नेताओं के साथ सड़कों पर उतरी है। अगले आधे घंटे तक चर्चा। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। रमेश श्रीवास्तव साहब आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भोगेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर सहारा समय नेशनल न्यूज़ चैनल, बहुत स्वागत है सभी का। मनोज, सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सफ़ेद की जगह आज काले कपड़े पहने दिखाई दिए, सड़कों पर दिखाई दिए, प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और ये कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, GST, भ्रष्टाचार, कीमतें जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आदमी का जीना मुहाल कर दिया आपकी सरकार ने, इसके खिलाफ प्रदर्शन। अब देखिए, कहने की बात है कि प्रदर्शन इसके खिलाफ है। अब देखिए, सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं आप आंकड़ों के आधार पर बहस कीजिए ना वहां पे। या तो पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता तब तो आप कह दीजिए कि ठीक है पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, हम कहां अपनी बात रखें। जब आप ये देखिए GST काउंसिल की मीटिंग में ये अपना विरोध तक दर्ज नहीं कराते और उस चीजों पे सहमति देते हैं, रोड पे सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए कि भाई ठीक है हम लोग महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें जनता को समझ में आती हैं। ये बाजीगरी चलने वाली है नहीं। आपको जनता सब जानती है कि जो काम आपने किए हैं उसको छुपाने के लिए आप ये सब महंगाई की बात कर रहे हैं और सारी बातें कर रहे हैं। जब सत्र चल रहा है तो आप आइए बहस कीजिए ना वहां पे। जब सरकार तैयार है वहां पे हर चीज के साथ, आंकड़ों के साथ बात करने के लिए, तो क्यों नहीं आप करते? वहां से तो वॉकआउट करके आप चले जाते हैं, पर लेकिन रोड पे आपको प्रदर्शन करना है कि ठीक है भाई, तो उसकी वजह से चीजें खराब होती है, माहौल खराब होता है, तो क्यों नहीं आप उसमें मदद करते किसी चीज में। चंद्रमोहन शर्मा जी, जो आप लोगों ने किया है वो भरना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। जांच एजेंसी ठीक काम कर रही है और जांच एजेंसी को धमकाइए मत और इधर उधर की बात मत करिए कि भ्रष्टाचार है और आप अपने फायदे के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। एक भारतीय जनता पार्टी का पलटवार आप पर, जवाब इसका जवाब। भूपेश भाई बिल्कुल ठीक, हम अपने परिवार को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। फर्क भाजपा और हमारे में ये है कि हमारा परिवार 145 करोड़ जनमानस है। हमारा परिवार इस देश का वो वर्ग है जो हर धर्म हर मजहब का है। हमारा परिवार वो है जो इस देश के अंदर गरीब से लेकर मिडिल क्लास बुनकर और एक युवा से लेकर 60 साल का वो व्यक्ति, वो हमारा परिवार है, उसके लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। जिस दिन सोनिया गांधी को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए उस दिन आपको परिवार की याद आती है, जिस दिन राहुल गांधी को ईडी बुलाती है पूछताछ के लिए उस दिन आपको परिवार की याद आती है। पिछले 7 सालों में NDA की सरकार के दौरान कितने प्रदर्शन किए, कितनी बार राहुल गांधी सोनिया गांधी सड़कों पर दिखाई दिए महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ? मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। हमारा परिवार, हम दो, हमारे दो नहीं, हमारा परिवार हम और हमारा 145 करोड़ जनमानस है जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जो गिरती अर्थव्यवस्था से त्रस्त है, जो इस देश के अंदर सद्भावना और सद्भाव था वो इन लोगों ने बिगाड़ दिया, उससे त्रस्त है, वो हमारा परिवार है। और तिलमिलाट किस बात की? अरे आपका नेतृत्व और आपका प्रचंड बहुमत वाली सरकार तो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस गायब हो गई। अरे अभी तो कांग्रेस की अंगड़ाई है और सत्ता की गलियारे हिल गए। अरे अभी तो मेरे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको चैलेंज कराया और आपके सपना के गलियारे हिल रहे हैं। सामना है तो करिए सामना, और दम है तो दोबारा सदन चालू करिए और महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अर्थव्यवस्था पे बहस करिए। कौन डरता है आपसे? हम बहस करना चाहते हैं। क्या आपको सदन में चर्चा पे भरोसा नहीं है? मनोज,
क्या सदन में चर्चा में भरोसा नहीं है आपको? क्या आप रोड पे ही रोड पे करेंगे तो चीजें चलेंगी क्या? मोहन जी, जो सदन में चर्चा होती है किस लिए होती है? वो सार्थक सार्थक चर्चा होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, चीजें होती है, तो वो चर्चा पूरा देश देखता है। क्यों नहीं आप चर्चा करते वहां पे? वहां चर्चा कीजिए ना, ताकि देश देखे आपको कि आप किस आधार पे बात करना चाहते हैं। आप जीएसटी काउंसिल में जब आप मेंबर हैं, चीजें वहां पर आप विरोध नहीं करते, रोड पे आप विरोध करते हैं, तो चीजें चलने वाली नहीं है। सरकार जब कांग्रेस से निकाली तो आपने कांग्रेस के हेड ऑफिस को, कांग्रेस के नेताओं को छावनी बना के बंद कर दिया। क्या आप प्रदर्शन नहीं करते थे? क्या जब आप प्रदर्शन करते थे आपके साथ ऐसा क्या जाता था? आपने कितने ऐसे प्रदर्शन करके शर्मसार किया हिंदुस्तान को? आप ये देखिए, सदन चल रहा है ना, क्यों नहीं सदन में आप अपने अपने आंकड़े रखते, क्यों नहीं वहां बात करते? आप आपको याद होगा, आपकी सुषमा स्वराज जी ने राजघाट की समाधि पे नाच करा था, उसके बाद भी विपक्ष की भूमिका के होते हुए हमारी सरकार ने आपका मान सम्मान रखा था। आप अगर हम लोकतंत्र के अंदर सड़कों पर उतरते हैं तो आप हमारे को उतरने नहीं देते, सदन में हम बात करने देते हैं तो आप हमें सब नहीं देते। अगर मेरा नेता आपके हमारे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से समय मांगता है तो आप पुलिस की ताकत और एडमिशन की ताकत। रमेश श्रीवास्तव जी, आप कांग्रेस की बातों से सहमत है या सरकार की बातों से सहमत है? आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है? कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीएसटी, महंगाई, आपको लग रहा है कि वाकई ये जेन्युइन प्रदर्शन है और लोगों की भलाई के लिए है, या ये लग रहा है कि अब सरकार पर दबाव बनाया जाए, ईडी पर दबाव बनाया जाए, अपने मंत्रियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया जाए ताकि पूछताछ में जो कुछ सामने आ रहा है वो सब देश देख रहा है? हम जनता की बातों से सहमत हैं। सातवें साल में ये सरकार चल रही है, हम सभी सोशल मीडिया पे हैं। आप देखें कि महंगाई को लेकर के दो नए गाने सोशल मीडिया पे भी बड़े प्रचलित हो रहे हैं, बिल्कुल लोकल भाषा में वो गाने हैं। इसका मतलब क्या है? लोग सरकार की तारीफ करते, बहुत अच्छी बात है, लोग सरकार की आलोचना करते, इसका मतलब आपसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब लोग सरकार की हंसी उड़ाना शुरू कर देना तो वो आपसे निराश हो चुके हैं और पहला मौका मिलते ही वो बदलेंगे, और इसके संकेत दिख रहे हैं। ये तर्क दिया जा रहा है कि जीएसटी की काउंसिल में तो बात हुई थी। अरे भाई, जीएसटी की काउंसिल स्टेट्स की काउंसिल है और 17 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, और अगर वो खेल नहीं हुआ होता शायद 18वें में कीचड़ में कमल फिर खिल रहा होता। कहने का मतलब क्या है? वहां तो आपका बहुमत है, लेकिन क्या सरकार इतनी संवेदनहीन है कि दूध पर जीएसटी लगाने के पहले उसको इतनी अकल नहीं है कि उससे दूधमेह बच्चों की महंगाई बढ़ेगी, उनके दूध, उनके आटा, उनके चावल? और आप देखें, आज रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब जो आप ईएमआई पे घर ले रहे थे वो अब आपके लिए महंगा होगा, पक्का महंगा होगा, उसमें हो सकने वाली कोई बात नहीं है। तो मतलब मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को कहीं जीने दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दोनों पॉलिटिकल। और मैं एक बात मैं और कह दूं, बड़ी गंभीर है, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के नेता, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये वास्तव में पहली बार हुआ है कि चलते सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन को एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने नोटिस दी और उनको जाकर के हाजिर होना पड़ा, 8 घंटे तक उनसे पूछताछ चली। मैं कहता हूं भ्रष्टाचारी है तो आप उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, जिसकी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है, अरे इतनी तो इज्जत कर लो भाई। 10 दिन बाद जब सदन खत्म हो, 1 हफ्ते बाद सदन खत्म हो जाएगा तो कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा? कौन सा ऐसा मामला है? ये निश्चित रूप से डराने, धमकाने, इंटिमिडेट करने की कार्रवाई है और देश इसको देख रहा है। ये सबके साथ, सबके साथ ऐसा कर रहा है, सबके साथ ऐसा कर रहा है। सारी नीति बना दी जाती है और सारी चीजों को करके आज महंगाई पे बात हो रही है भाई साहब, आज महंगाई पे बात हो रही है। आप महंगाई पे बात कर दो और आप जितना भी वापस ले लेते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि पुराने नीति पे काम करेंगे। ये नहीं सोचते कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्होंने दुकानें किराए पे ली थी, जिन्होंने सिस्टम चलाया था, उनके साथ क्या होगा? कम से कम एक महीने का टाइम तो सोचा ना एलजी ने, सोचा एलजी ने आने वालों का क्या होगा, ग्रेस पीरियड वालों का क्या होगा, वो भी सरकार ने सोचा है। और एक नया मुहावरा चल गया भाई साहब, एक मिनट सुन लो, बीजेपी की दीदी ये है हमारी ईडी और बीजेपी का भाई ये है सीबीआई। चलिए, जनता की तरफ। सर्वेश पाठक, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस देश में लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है हम उसका विरोध करते रहेंगे। लग रहा है आपको भी कि ज्यादती हो रही है तभी कांग्रेस सड़कों पर है?
देखिए भूपेश जी, अगर ज्यादती हो रही है तो संसद बना हुआ है हमारे यहाँ। संसद में ये जो राजनेता है कितने बार बैठते हैं, 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और एक बजट का जो चर्चा होती है वो सेशन। अभी महंगाई पे अगर सरकार ने उनको आमंत्रण दिया कि चर्चा होगी, ये वॉकआउट करके चले गए। अगर सार्थक बहस करना है तो आप पार्लियामेंट के अंदर सरकार को घेरो, देश को दिखाओ, जनता को दिखाओ कि सरकार अगर कोई बिल पास कर रही है तो मैं उसको पार्लियामेंट के अंदर ही घेर के पूछ रहा हूं कि इस बिल में ये खामियां हैं, आप इसको चेंज करो। आप वहां पे तो हंगामे की भेंट चढ़ा देते हो दोनों सदनों को, करोड़ों रुपया टैक्स पेयर की मनी को बर्बाद करते हैं और उसके बाद रोड पे आके ये दिखाते हो कि नहीं हम जनता के हितैषी हैं। अगर इतने ही सच्चे हितैषी हैं तो सचमुच आप एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाइए, सदन में सरकार को घेरिए, जीना मुहाल करिए सरकार को वहां पे। लेकिन आप वो करने से डरते हैं क्योंकि आप न मुद्दे की बात करते हैं, आप केवल हंगामा करने में व्यतीत हैं। हंगामा करना महज आपकी फितरत है ये कहा जा रहा है। भूगेंद्र पाठक जी, हिटलर डिक्टेटरशिप, नाजीवाद, देश को बर्बाद कर दिया, संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, ये कांग्रेस आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगाती है, विपक्षी दल तमाम ये आरोप लगाते हैं, इन आरोपों में कितना दम देखते हैं? देखिए ये विपक्ष का काम ही है, कोई भी विपक्ष में रहे वो सत्ताधारी दल पे आरोप विपक्ष लगाता ही है। और देखिए सरकार जब पूरी सख्ती के साथ जब काम करती है, भविष्य को ध्यान में रखकर काम करती है तो बहुत सारे कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। आप ये देखें कि महंगाई एक बहाना है, सड़कों पे कांग्रेस आई है, महंगाई एक बहाना है, दरअसल ईडी को धमकाना है ना, तो ये चल रहा है। अब देखें क्या है कि वैश्विक मंदी जब भी आती है तो हम लोग बचपन में जब साइकिल लेकर स्कूल जाते थे तो देखते थे एक लाइन में साइकिल सब खड़ी हो जाती थी, एक साइकिल गिरी कि बस दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब साइकिलें गिरने लगती थी। उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। एक जगह वैश्विक मंदी में क्या होता है, एक देश जो ही नीचे गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही हो रहा है। देखिए श्रीलंका की स्थिति क्या हो गई, पाकिस्तान की बदतर स्थिति होती जा रही है, बांग्लादेश का भी वही हाल है, धीरे धीरे यूरोप में भी बहुत सारे देशों की स्थितियाँ बहुत खराब होती जा रही हैं, जापान की मुद्रा की स्थिति देख लीजिए। तो ये है वैश्विक महंगाई है। अब भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार को एकदम बिल्कुल सख्ती के साथ जो काम करना है भारत सरकार कर ये रही है कि ऊर्जा पे आत्मनिर्भरता कैसे आए, है ना, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या जो ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं उसके लिए जो भारत सरकार काम कर रही है। आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रेन की से हो, सड़कें जो बन रही हैं भारत में, अनुमान है कि 24-25 तक इतनी अच्छी सड़कें बन जाएंगी भारत में कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हो जाएगा। और ट्रेन के जरिए भी, माने मालगाड़ी के जरिए जो गुड्स सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है उस पर जो काम हो रहा, में हो जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का तो काम ही ये करना, कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस सड़क पर आ जाए तो कांग्रेस फिर से जीवित हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी, कांग्रेस ये काम करे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में भी अपनी बातों को मजबूती से रखे, तैयारी के साथ रखे और सत्र को छोड़कर भागे ना। चंद्रमोहन शर्मा जी, रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता भी आरोप लगाते रहे हैं कि एसी कल्चर और कैबिन कल्चर में तमाम वरिष्ठ नेता जो रहते थे अब उन नेताओं को सड़कों पर लाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की बड़ी भूमिका होती है, ऐसे में कांग्रेस उस रंग में उस रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वाकई एक परिवार को बचाने के लिए सड़कों पर है या वाकई आप लोग संजीदा हैं, कांग्रेस संजीदा है तमाम और मुद्दों पर, जब ईडी का ये खत्म हो जाएगी पूछताछ तब भी आप सड़कों पर दिखाई देंगे लोगों के लिए? देखिए पहले तो मैं अपने मित्रों की बातों के वक्तव्य को खंडन कर दूं कि ईडी कोई बहाना नहीं है, ईडी का बहाना भाजपा का है और गांधी परिवार को डराना है। कारण क्या है, क्योंकि एक ही विपक्ष, एक परिवार जिसकी समर्पणता, जिसकी देश के प्रति त्याग की समर्पणता और जिसकी इस समाज के साथ जुड़ने की समर्पणता से भाजपा के नेता डरते हैं और तेल मिलाते हैं, उसके कारण वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, मेरे दोनों नेताओं ने 500 सवालों के, 200 सवालों के बिना बेबाकी से, बिना डरे जवाब दिए। क्या कोई किसी ने सुना कि उन्होंने ईडी के कार्य के अंदर सहयोग भी करा? तो ईडी का नाम लेके किसने बदनाम कर रहे हैं?
क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे आप तो सब अभी अपनी कामों को छुपाने के लिए ईडी का सहारा लेकर और देश के उन मुद्दों को दबा रहे हैं जिन मुद्दों को गुजरात से आए हुए एक नेता ने 2014 के अंदर हिंदुस्तान की एक सत्ता को पलटा था और उस समय महंगाई थी, उस समय बेरोजगारी थी, उस समय जब आपका टर्म है तब बोलिए, जब आपका टर्म है तब बोलिए। नहीं नहीं, आप इस नेशनल टीवी पे बैठ के देश को भरमाएंगे तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? आप ही बताइए, क्या आपकी सही बातें झूठी बातें अगर टीवी पे फैलाई जाएंगी तो क्या उनका जवाब नहीं दिया जाएगा? आप अपने तर्क रखिए, मैं तर्क रख रहा हूँ ना। गुजरात से आए हुए एक नेता ने 2014 से पहले एक सरकार को जिसके अंदर विख्यात अर्थशास्त्री और फेमस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनको देश के जुड़ंत मुद्दों के साथ चोट मारी और देश के सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या वो गलत थे? वो आज देश के प्रधानमंत्री, अगर वो महंगाई की बात करते थे, वो बेरोजगारी की बात करते थे, वो देश की अर्थव्यवस्था की बात करते थे, वो देश के अंदर भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो देश के अंदर काले धन की बात करते थे। यही तो, यही तो बीजेपी भी कह रही है, इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अब आप कह रहे हैं कि एजेंसीज का गलत उपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, रविशंकर प्रसाद का कहना है, तमाम और नेताओं का कहना है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था? पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, एजेंसीज को अपने हाथ में ले लिया था, इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था, तब एजेंसीज सब ठीक थी, तब प्राइम मिनिस्टर ठीक था। देखिए, मैं अपने वक्तव्य को पूरा करने दीजिए। और अगर वो मुद्दे उठा रहे थे, उस ज्वलंत मुद्दों को देश की लड़ाई के अंदर पिछले 9 सालों में क्या मिला आज देश को? हमारी लड़ाई ईडी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उस सरकार के साथ है जिस सरकार ने एक गरीब आदमी की निवाला रोटी छीन ली। और क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं मनोज पंडित? आपकी सरकार क्यों कर रही है ऐसे? हिटलर का नाम दिया जा रहा है, हिटलर का नाम दिया जा रहा है, डिक्टेटरशिप का नाम दिया जा रहा है, नाजीवाद का नाम दिया जा रहा है, संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है, न्यायिक प्रक्रिया पर आप प्रभाव डाल देते हैं, ये बड़े बड़े आरोप है यहाँ पर। जी, जो झूठ बोलता है, नहीं, आप भूपेश जी, आप देखिए कि क्या आपको ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से राहत नहीं मिली? क्या कोई भारत में कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है कि जहां पर इनको कहीं राहत मिली होती? अगर कोई चीज थी तो इनको जवाब देना चाहिए था। अगर ये कहते हैं कि जिन सवालों के जवाब इन्होंने दिए उनको सार्वजनिक करें। देश के अंदर आटा चाल कड़वा तेल किस रेट पे मिल रहा है? क्या देश के अंदर बेरोजगारी? आप ये देखिए कि आज जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में खड़ा हुआ है कहीं नहीं है। रमेश श्रीवास्तव जी, आने वाले टाइम में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया मेरे हाथ में एजेंसी दे दो, फिर मैं बताता हूँ चुनाव कैसे जीते जाते हैं। इस वक्तव्य पर बड़ा ही भयानक स्वीकारोक्ति की है राहुल गांधी जी ने आज कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से वर्तमान सरकार कर रही है या पहले उनको अपनी स्टाइल याद आ गई जो इशारा किया जा रहा है कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। मतलब ये तो फिर तुम्हारी बारी हमारी बारी। कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए हमारे हाथ में ईडी दे दो, तीसरा मोदी कहीं और नजर आएगा। तो मतलब एजेंसीज का दुरुपयोग ये भी करते वो भी करते हैं। हमारा अन्ना आंदोलन पूरी तरह इन्हीं एजेंसीज के दुरुपयोग पर ही आधारित था। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एजेंसियों को स्वतंत्र करने का काम कौन सी सरकार करेगी? स्वतंत्र रूप से जांच पड़ताल का वो काम ना तो कांग्रेस कर सकती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भूगेंद्र पाठक जी, लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया सरकार ने, लोकतंत्र मर चुका है, विपक्ष को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे, तमाम ऐसी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है जिसको आप डरा धमका कर खत्म कर देना चाहते हैं इस देश से, विपक्ष को, ये आरोप कांग्रेस का, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। बिना आधार के कोई भी डरा धमका नहीं सकता। आप ये देखें कि आनंद भवन जैसा खूबसूरत इमारत जिसने दान कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, उस कांग्रेस के परिवार के, उस परिवार के लोग अब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में फंस रहे हैं। कितना दुखद है, जो मैंने कांग्रेस के लिए क्या नहीं किया जिन लोगों ने, उस परिवार के लोग आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उन पर आरोप लग रहे हैं किस तरह के, ईडी के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। ये भी आत्मनिरीक्षण करना ही पड़ेगा। और देखिए, चाहे लालू प्रसाद पे हो या किसी पे हो, जब साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, तभी मामले चलते हैं, फैसला कोर्ट करता है, न्यायालय, अदालत करती है फैसले। भारत में महंगाई अभी आप कहें कि कंट्रोल में है, इसलिए कि यहाँ की सरकार सतर्क है,
और सरकार को और अधिक सतर्क होना चाहिए। और भी देखिए, गरीबों कहते हैं ना, विभुक्षिता किम न करोति पापम, माने कष्टाति कष्टः क्षुधा, भूख सबसे ज़्यादा कष्टकर है, कोई भूखा न रहे, इसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी ही होगी। हालांकि कोविड काल में सरकार ने किया भी है, लेकिन लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाँ बताएं। कांग्रेस का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, चंद्रमोहन शर्मा जी, जब परिवार पर आंच आ रही है, 7 साल तक आपको लोगों की याद नहीं आई, विदेश घूमते रहे आप, जब भी कोई बड़े मुद्दे होते थे, सेंसिटिव मुद्दे होते थे, राहुल गांधी नहीं होते थे, सदन में नहीं होते थे, विदेशों में होते थे, यहाँ पर लोग जो थे उनको ज़रूरत होती थी विपक्ष की, अच्छे विपक्ष की, नेता की, तब वो नहीं होते थे। और अब जब परिवार पर आंच आ रही है, हेराल्ड मामला चल रहा है, छापे पड़ रहे हैं, पूछताछ हो रही है, तो सरकार पर, एजेंसीज पर दबाव बनाने के लिए आपने अपने कार्यकर्ताओं का सहारा लिया, उनको सड़कों पर उतारा और नाम दे दिया भ्रष्टाचार, महंगाई, GST, ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का बड़ा, ये बेबुनियाद बात है और इसका कोई आधार नहीं है। आरोप लगाया जाना और आरोप लगने से कोई चीज के तथ्य साक्ष्य नहीं आते हैं। अगर आरोप लगाए गए तो आरोपों को के सामना करने के लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने ED का सामना करा, उनके प्रश्नों का जवाब दिया जो उन्होंने पूछा। ये लोग तो वो लोग हैं, जब सत्ता में आए थे तो कह रहे थे कि सोनिया जी और राहुल जी भाग जाएंगे। अरे आपके वक्तव्य के अंदर आप एक जगह तो ठहरिए, अगर आपने कोई हमारे पे हस्तक्षेप कराया है तो उसका सामना हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा और देश की जनता के पास आएगा। किस बात कर रहे हैं? आनंद भवन इलाहाबाद का, उसको दान करने वाले व्यक्ति पे, उस परिवार पे ये क्यों आरोप लग रहा है? नेशनल हेरिटेज को हड़पने की का आरोप, आरोप तो है ना? आरोप क्यों? तो देश के प्रधानमंत्री पे भी थे जब मुख्यमंत्री थे, आरोप तो रैपर नहीं, नहीं, आरोप आरोप तो पैगर नहीं, नहीं, आरोप आरोप तो बहुत सारे हैं जिनकी पहले पड़ी हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। आर्थिक आरोप नहीं थे, आर्थिक आरोप नहीं थे के अंदर नेशनल हेरिटेज का केस खत्म हो चुका 2014 से पहले, फिर दोबारा से सत्ता का प्रयोग करके दल बल के द्वारा अपने एक राज्यसभा खत्म हो गया। तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कुछ और मुद्दे नहीं है, भ्रष्टाचार की बात ना हो जाए, महंगाई की बात ना हो जाए, बिजली के रेट बढ़ने की बात ना हो जाए, रेपो रेट की बात ना हो जाए, किसानों की बात ना हो जाए, खाना पीना महंगा हो गया इसकी बात ना हो जाए, इसलिए मार ED लगा दो तो नेशनल हेराल्ड कर दो। आप ये चर्चा पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते? आप ये बताइए, चर्चा करने की जगह है, चर्चा करने का विषय है, वहां करिए ना आप, किसने मना किया आपको? बिल्कुल चर्चा कीजिए आप, ठीक है, पर तथ्यों के आधार पर चर्चा कीजिए तो देश की जनता को समझ में भी आए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और सरकार क्या करना चाह रही है। सुनेंगे भी और कहेंगे, कहिए पे बाकी साहब, कहिए आपने पिछले तक से कि वो कहे कि 3 दिन के लिए मैं लाइव होके मन की बात करता हूँ और 3 दिन तक सदन की कार्रवाई होगी, अगर विपक्ष इसके अंदर सदन की कार्रवाई में सहयोग नहीं करेगा तो देश की जनता देखे, कहे आपकी पार्टी सत्ता में है, नहीं कहेगी, क्योंकि अगर सदन में चर्चा हुई तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा बेरोजगारी से। सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, फिर क्यों आप सदन से वॉकआउट करते हैं? चंद्रमोहन जी बताइए आप मुझे, अवस्था को जो आपने 2 आदमियों के पास दे दिया, लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? और इसका समाज के बुनकर इंडस्ट्री का व्यापारी GST की मार पे दब रहा है, तो उसका हल क्या है? क्यों यूटर्न लेने पड़ गए आपको? सोनिया का सुझाव दीजिए ना, किसने रोका आपको सुझाव देने के लिए? आप सुझाव दीजिए, पर लेकिन आप GST काउंसिल में जब आपने, हम ये कहते हैं GST काउंसिल में आपका जो मिनिट्स की मीटिंग है वहाँ कहाँ आपने दिखाई नहीं, बताया नहीं आपने, वो देश आपसे पूछ रहा है। रमेश जी, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, GST के मुद्दे पे, लोगों की परेशानी के मुद्दे पे कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है, सुर्खियां भी बटोर रही है कांग्रेस जीवंत जीवित सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है, जैसा कि लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब कैबिन कल्चर खत्म हो गया, नेता सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा छटपटाहट थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस खड़ी होगी तो हमारे लिए दिक्कत होगी, उसी के वोट मिल रहे थे। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि जब किसी को एकदम दीवार की तरफ ढकेल दिया जाता है तो लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चढ़ाएगा ही, वही हालत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस में कोई नया विचार लेकर के सामने नहीं आया, कोई अल्टरनेटिव आर्थिक नीति नहीं आ रही है, कोई अल्टरनेटिव सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिसी लेकर के नहीं आ रहे हैं, कोई जनता को वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं दे रहे हैं, वैकल्पिक प्रशासनिक आधार नहीं दे रहे हैं जैसा कि हम दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि कांग्रेस ही छटपटाहट अपनी पूरी करना चाहती है, संगठन है उनके पास, वो कर लें। लेकिन ये भी हकीकत है
कि इस देश में पिछले 10-15 वर्षों में अगर हिसाब लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस से ही निराश होकर के कांग्रेस के बाहर गए हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात है, भाजपा बार बार डिनाइल मोड में है। आप एक छोटा सा सर्वे करा लें, यहाँ जहाँ आपका स्टूडियो है इसके आसपास मुश्किल से 1,000, 2,000, 5,000 लोगों का, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आम आदमी महंगाई से परेशान त्रस्त इस समय हो चुका है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस ले जाती दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी तमाम सफ़ेद कपड़े छोड़कर आज काले कपड़ों में दिखाई दे रहे थे। आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी, GST तमाम मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर आगे भी उतरते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है जब परिवार पर आंच आ रही है तब आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं। 7 साल तक आप सड़कों पर नहीं उतरे, पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में जब बहस की बात आती है तब आप वॉकआउट कर जाते हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। मनोज पंडित, बहुत शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी से आप हमारे साथ जुड़े। चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से आप हमारे साथ जुड़े। रमेश अवस्थी जी, रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया। भूगेंद्र पाठक जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सारण न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत सारा।